पाकिस्तानी फैमिली रैक तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। पाकिस्तान आया भारतीय ब्लॉगर ने पाकिस्तानी चीजों के रेट देखे और खोल दिए पूरे पाकिस्तान की धोती। भारतीय ब्लॉगर आया हुआ था वो कैसे आया हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब क्या करिए सीन के। और यहाँ पर तो महंगाई वाकई में इतनी है कि गरीब इंसान तो मर ही रहा है। बिल्कुल वॉच करते हैं, पहले कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। डब्बे कितने ये तो कॉर्नफ्लेक्स है फैजान भाई, कितने का है? बड़ा महंगा है। रिजवान भाई कॉर्नफ्लेक्स रिजवान भाई को नहीं पता। आई डोंट नो। तो ये रिजवान भाई के जो भाई हैं फैजान 50 ग्राम एंड ऑलमोस्ट 550 पाकिस्तानी पाकिस्तानी सो नोट है यहां पे रुपए इंडिया 150 रुपीज। आइडिया तो आगे लोगों को अच्छी बात यार। ये प्लीज बताइएगा वहाँ पर कौन स्नैक्स है। 450 ओ सेम प्राइस। नो वी आर गिविंग 440 ₹10 डिस्काउंट बट इन दैट शो स्टोर इट्स 450 इट्स 450 सो सम यार भाई साहब आप क्या मैं तो पहुंचा भाई हूं। हां ना शायद इसके पास भाई आउट ऑफ कंट्रोल कहीं का होगा वो कैश वगैरह आपको तो जाया होगा। थोड़ा स्टोर है हाँ। हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। और भाई इस वक्त हम एक मिनी मार्ट और हमारे एक दोस्त है रिजवान भाई जो कि आजकल व्लॉग्स भी हम उनके भी शेयर कर रहे हैं तो उनको जरूर आप जानते हैं। तो रवि भाई को हम यहाँ लेके आए हैं और एबी भाई भी हैं हमारे साथ और सईद भाई भी यहाँ हमारे हारे जो है तो ये थोड़ा मिसिंग थे दो तीन दिन से, लेकिन ये के आज जो है इन्होंने दोबारा फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया है। तो यही कहे कि आज थोड़ा रवि भाई ने कहा मुझे प्राइसेस देखने कितना डिफरेंस है पाकिस्तानी जो है चीजों में सब हवाले से हम आए और रवि भाई अंदर बैठे हैं वो व्लॉग भी कर रहे हैं। तो बस ये कि होपफुली ये व्लॉग भी सिंपल सा एक वीडियो हम बना रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ जरूर अच्छा लगेगा। रवि भाई खुद अपने व्लॉग बना रहे हैं थोड़ा सा हमका भी दिखा दें और साथ साथ हम खुद भी जो है कुछ प्राइजेस चीजों के जो है जान लेते हैं। अच्छा मैगी का थोड़ा सा पूछ लेते, वैसे तो मैं घर के लिए भी लेता रहता हूँ। ये मैगी कहने जा ये कितने का है? ये मैगी 75 का है। 70 रुपीज भाई पी के यार, बाकी आप ज्यादा कन्वर्ट इंडियन आप क्या कितने का मिलता है ये मैगी? इसके अलावा जो है इसके अलावा राइस ये 1 kg राइस है और ये 380 के हैं 400 रुपए किलो। ये नॉर्मल वाले भी कुछ कंपनीज के ये हाई क्वालिटी के चावल है। अच्छा ये हाई क्वालिटी के चावल हैं जो मतलब कस्टमर एक बार लेके जाता है और बार बार मेरे पास वही कस्टमर आए हैं के बाद वाइट चावल और भाई इंडिया में तो सिंधी मानू खबर अव धंधे में कारोबार में ॾाढो सुठो इतने भी असाया सिंधी मानू भी कारोबार कन था थोड़ो घट था कन पर सुठी गाल है छा चवंदो पंहिंजो कारोबार करण खपे न। बिल्कुल बिल्कुल पंहिंजो कारोबार करण घुर्जे ताकि अॻिते तव्हांखे फ़ाइदो थिए। नालो त ॿुधायो पंहिंजो फैज़ान अली। फैजान अली सही। तो कुछ और भी चीजें जो है भाई से हम पूछ लेते हैं, बाकी तो रवि भाई ज्यादातर जो अपने व्लॉग के हिसाब से पूछ रहे हैं। लेकिन ये कि अब जैसे मिल्क की मैं बात करूँ तो ये जो है नॉर्मल एक मिल्क होता है तो ये पाव वाला है गणेश जो 75 रुपीज का ये है। अच्छा भाई अगर हम सिंधी एक दूसरे सिंधी से मिलता है तो वो उर्दू कम ही बोल पाता है मुँह से ऑटोमेटिकली सिंधी आ जाती, तो इसलिए मैं भी सिंधी में थोड़ा सा वो करूँ। अच्छा ये है लीटर वाला ऑलपर्स काफी पॉपुलर है ये 280 जो है गणेश जाता 280 तो भाई मैं अपने एरिया में 280 का लेता हूँ, यहाँ पे 275 का है तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा 5 रुपए सेव करने के लिए। ना ये देखो ये रहा ना हां ये पानी एक लीटर पानी साथ में बना रहे हां ये भी पता जा रहा है पाकिस्तान में क्या मचा हुआ है। ये भी पानी की बोतल निकाल दी 100 पाकिस्तानी रुपया 100 रुपए की एक लीटर की बोतल है वहाँ पर कितने बताना यार। जीड़ी पप्पू पालू 90 रुपीज बोले
जीड़ी पप्पू पाल और जूस के डब्बे पाकिस्तानी प्रोडक्ट बटर सेम लाइक अमूल ग्राम ग्राम में होगा प्राइस दाम कितना है दाम कितना है इसका 200 अजलान शाह के घर में क्या टेस्ट है कितना है पकोला पकोला 90 रुपीस अंटे इंच मिंच का 20 छोटा कितना है 450 800 ml approximately 110-120 Indian rupees and 450 Pakistani rupees. Okay. So अंदर की हाथी को चूँकि नीकोसो अच्छी होगा normal locality को अच्छी सालों हम तो Pakistan लो rice उन chocolates वाले नो dairy milk 80-90 rupees. Okay. Chocolate इसका साइज क्या है मैं लाता हूँ कॉफी साइज साइज कॉफी है ना जेली कितना है 300 चपाले ఐ డోంట్ నో ద ప్రైసెస్ ఇన్ ఇండియా ఐ హావెంట్ డన్ దిస్ ఇన్ ఇండియా సో హాపీ బోలియే క్యా దామ్ హై पाकिस्तान में दाम ज्यादा है कम है पाकिस्तान में दाम ज्यादा है 300 रुपीस ओके वैसे रवि भाई ज्यादा भी होगा आपसे कम ही लेंगे नहीं ऐसा नहीं मुझे मालूम नहीं और मेहमान है तो लेंगे भी नहीं आपसे नहीं 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 वो पेट्रोल का दाम दिखाया सभी लोग पूछ रहे पेट्रोल का कितना था पाकिस्तान का पेट्रोल कम है पाकिस्तान में कम है इंडिया में इंडिया रुपीज है 110 पाकिस्तान में सिर्फ 80 लेकिन लोग कहते हैं कि एवरेज सैलरी पे भी डिपेंड करता है ऐसा बोले तो अमेरिका में फ्री है पेट्रोल अच्छा हमें उस तरह हम ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे सिर्फ बता रहे दाम के पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स इंडिया निकाल नहीं सकता वही ना डब्बे कितना है और पापा लोगों की तरह हाँ रिजवान भी कॉल फ्ले फैजान रिजवान भाई को नहीं पता तो ये रिजवान भाई के जो भाई हैं फैजान 250 ग्राम एंड अच्छी बात सो प्रिंटेड है 450 प्रिंटेड है ओ सेम प्राइस नो वी आर गिविंग 440 ₹10 डिस्काउंट बट इन दैट शो स्टोर इट्स 450 सम चीज इधर ज्यादा होता है कोई चीज इधर कम यहाँ पे थोड़ा कम मिल रही है रूह अफ़ज़ा कैसे पीते यार मैं कहीं नहीं ट्राई किया रूह अफ़ज़ा है थोड़ा लेकिन इंडिया में मिलता है चावल वाले काफी एरिया के हिसाब से रेट कम है यहाँ और मुझे चीकू चाहिए हम खरीदना चीकू उधर भी देख लेंगे आइडिया तो आगे तो वही रख दो हाँ नूडल्स कोरियन नूडल्स एक कितना है 220 और ज्यादा है यार 220 बोले पाकिस्तानी 220 इंडिया अभी देखा क्या है आपने यार 40 रुपीस ये कप्पो नूडल्स हॉट वाटर ऐसे से तीन तो 40 रुपीस इंडियन ये 220 रुपए का था डब्बे वाला तो क्या होते हैं सारे भाई हैं कितने भाई हैं यार ये सब भाई हैं सात भाई चार भाई हिमालय डाल लो कुछ आगे पिंक सॉल्ट पिंक सॉल्ट ओके ये कितना है ये कितने का है 120 रुपीज ऐसा तो नमक 30-40 रुपीज इंडियन करेंसी इंडियन बहुत आज देखा एक इंडियन रुपी 3.38 तकरीबन 3.4 पाकिस्तान का रुपया ज्यादा नंबर ज्यादा हो रहा है वैल्यू नीचे आ रहा है वेरी गुड यार इन पाकिस्तान ऑल पाकिस्तानी आर ओपन हार्ट यस इंडिया में भी है सेम सेम रवि भाई बोलेगा ओपन हार्ट सर्जरी नहीं सेम है यार आवाम तो
दोनों साइड सेम है। इंडिया में भी दिल बहुत बड़ा है, सो आप देख रहे हैं मैं आया है, मुझे कुछ डर नहीं था। यार लोगों में थोड़ा सा इंसानियत है, बिल्कुल देख रहे हैं तो यार तो हेलो चेक करें, चीकू तो ले लो ना इनको, इधर नहीं यहां पे विजिट करेंगे नहीं मिलते फोन में जगह नहीं, यहां पे यहां पाकिस्तानी आवाम के लिए भी कुछ। हां या पाकिस्तान नवीन गाइस इफ यू सी द स्टोर दिस इज इन क्या आजम बस्ती में आइए, आपका स्टोर का नाम अंदाजा लगाओ यार। ये यहाँ पर देखो ना, एक नूडल्स का पैकेट आपको 75 रुपए का मिलेगा, कॉर्नफ्लेक्स 250 ग्राम आपको 550 रुपए के मिल रहे हैं, छोटे छोटे जूस के डब्बे आपको 90 रुपए के मिल रहे हैं, पानी की बोतल आपको 100 रुपए की मिल रही है, तो गरीब कहाँ से जिंदगी गुजारेगा। चावल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं भाई साहब 380 रुपए किलो। एक भारतीय की जबानी, एक भारतीय यहाँ पर आया हुआ है, वो बता रहा है कि भाई ये देखो ना, कहता है कि इंडियन करेंसी तो बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल छोटी सी रूह अफजा की बोतल है 450 की, वही ना। और भाई जो नूडल्स का वो जो डब्बा सा था वो 250 रुपए का, दूध का डब्बा लेके इधर पाव का 75 रुपए का, 75 का और किलो का 280 का। ये हाल हमारे यहाँ बना हुआ, वो भी देख के हैरान हो रहा था कि भाई साहब यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर गरीब बंदा क्या कर रहा होगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। वो तो यकीन कर रहे गरीब बंदा 400 जो जाके स्टोर पे 400 रुपए किलो चावल ले सकता है, कहाँ से ले सकते हैं। उल्टा तो मोदी जी फ्री में दे रहे हैं भारतीयों को, 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में चावल और गेहूं दे रहे हैं, वो पूरे महीने का राशन। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो एक दाना चावल का फ्री में कोई नहीं देता, इधर तो एक किलो आटा कोई ना, नहीं देता। वो देखो ना, वो अब रवि नाम है इनका, ये आए हुए हैं, अब ये सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब इनको भी पता लगा रेट, इनकी भी होश उड़ गए। पता चलता है ना वजह, जमीन आसमान का उधर फर्क है यार, उधर क्या है इधर क्या बना हुआ है, इन्होंने क्या बना के रखा। आप लोग बताइएगा वहाँ पे नूडल्स का पैकेट कितने का, मैगी कितने की, यहाँ पे मैगी 75 रुपए की हो गई, और दूध के डब्बे का जो किलो वाला उसका दाम क्या है। हाँ उधर सस्ता होगा भाई, वहाँ पर तो 20-30 रुपए, इससे ऊपर कुछ होना नहीं है। हाँ ना, वहाँ पर तो 10-20 ऊपर बात ही। पानी की बोतल कितने की, इधर तो लीटर की 10-15 रुपए की, उधर 100 रुपए की, उधर 10-15 रुपए की, पानी का क्या होगा। वहाँ पर देखो इतनी सस्ता भाई, ये वो जब रेट देख रहा था वो उसकी भी आंखें फट रही थी कि भाई ये रेट क्या बता रहे हैं। पता चलता है ना अपने मुल्क के, वैल्यू हो गया सब कुछ खत्म। आज देखो ना भाई साहब, भारत में भी भाई इतनी चीजें सस्ती है जितनी पाकिस्तान में तो आसमानों पे गई है। दिवालिया निकला हुआ है ना, उधर दिवालिया किसी ने निकाला तो नहीं, उन्होंने मुल्क को ऊपर लेके गए, उनकी इकॉनमी बेस्ट है, मोदी जी को स्टैंड पे लेके गए। यूरोप बता रहे हैं कि जो तरक्की की रफ्तार है इंडिया की सबसे ज्यादा है। हाँ वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है, जो ये भाई भारतीय पाकिस्तान में आया उसने रेट देखे, इधर बड़ा खत्म करते हैं।